सो दिस ज अर्जेंट अपडेट मैंने अपने टूथ एक्सट्रैक्ट करवाए हैं तो थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है बट मार्केट में आज एक बहुत बड़ा डंप देखने मिला है तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा उसके रीजंस क्या है और अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेना चाहिए चे, लेने चाहिए उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ पे सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा तो सबसे पहले हम लोग अगर बिटकॉइन के चार्ट में देखें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई राइट तो अगर मैं अपने टेलीग्राम मैंने टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह वो एक्सेक्शन हो रहा था उसी टाइम पर मैंने यहाँ पर अपडेट किया था बिकॉज इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे चाइना एवर ग्रांडेड ग्रुप की तरफ से ये एक लेटर आया है लेटर में आपको पता होगा कि उनके पास जो उन लोगों ने उन लोगों ने जो लॉन्च ली हुई थी वो लॉन्च पे करने के लिए अब इनके पास जो अमाउंट होना चाहिए वो अमाउंट नहीं है उसकी वजह से यहाँ पे चाइना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे और ये जो एवर ग्रैंडेड ग्रुप है उसकी वजह से क्यों इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एवर ग्रैंडेड ग्रुप को जो लोन्स दी है काफ़ी सारे और ये काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं जो यू एस डी टी तीधर तीधर के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है आपको एक चीज़ मैंने आपको आगे भी बोली थी कि तीधर में सिर्फ ओनली थ्री थ्री और फोर परसेंट इज कैश इज़ बैक्ड बाई यू एस यू एस डॉलर्स बट बाकी का जो है इट इज़ बैक्ड बाई कॉमर्शियल पेपर और वो जो कॉमर्शियल पेपर है इसके वो इस कंपनी के है जिन्होंने यहाँ पे एवरग्रैंडे को वो लोन दी है राइट तो यहाँ पे ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि चाइना एवरग्रैंडे ग्रुप की तरफ से कि उनके पास जो अभी लोन वापस जो रीपे करना है उसके लिए इन, इनके पास अमाउंट नहीं है वो बाकी सारी कंपनीज जिन्होंने यहाँ पे एवर ग्रांडे को जो दिया था अमाउंट तो उनका भी अमाउंट यहाँ पे अटक जाएगा और वो सारे यहाँ पर बैकआउट कर लेंगे वैसे यहाँ पर मार्केट में एक पैनिक न्यूज़ चल रही है जिसकी वजह से यहाँ पे एक डंप देखने मिला है राइट अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इम्पोर्टेंट लेवल सबसे पहले एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ अगर आप हुआ भी ग्लोबल अगर आपको पता है तो हु भी ग्लोबल में यहाँ पे 28,800 डॉलर्स का लिक्विडेशन हुआ है अब दूसरी चीज़ सॉरी तो मैं यहाँ पे अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज दो दांत जो है लेफ्ट एंड राइट साइड के वो एक्सट्रैक्ट किया बिकॉज ऑफ द इनविजिलाइन जो स्ट्रेट करवाने उसके ट्रीटमेंट के लिए uh, और यहाँ पे दूसरी चीज अगर आप देखते हो तो लास्ट वन आवर के अंदर यहाँ पे 1.1 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ है अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा चाहूँगा देखो बाकी सारी चीज़ें छोड़ो अगर आपने यहाँ पे स्पॉट मार्केट में लिया हुआ है अगर मैं यहाँ पे वन मंथ का चार्ट दिखाऊँ जब से बिटकॉइन अगर आप स्पॉट में होल्ड कर रहे हो राइट कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं देखो जिनको इनका प्राइस यहाँ से ऊपर ही जा रहा है उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बट अगर जिन लोगों ने फ्यूचर्स में लिया होगा विदाउट स्टॉप लॉस इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते वो हिट नहीं करता अमाउंट लिक्विडिट हो जाएगा राइट अदरवाइज इफ यू आर होल्डिंग इन स्पॉट मार्केट देर इज नथिंग टू वरी तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जो चार्ट है वो दिखा देता हूँ अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है उसको कंसीडर करते हैं तो आप देख सकते हो सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे आ जाता है क्यों ये इंपॉर्टेंट लेवल है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो इस एरिया में अराउंड 42,300 के आसपास प्रीवियस इसका टॉप था राइट right? तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस यहाँ तक पहुँचा वहाँ से बाउंस बैक लिया ये यह आपने यहाँ पर आप एक विक देख रहे हो राइट right? उसके नीचे अगर गिरता है तो फिर फोर्टी क्यों बिकॉज यहाँ तक किया गया था और उसके नीचे अगर गिरता है तो जो मेजर सपोर्ट है दैट इज कमिंग एट अराउंड 37,800 सेवन लेकिन सबसे पहली चीज़ हमें यह देखनी है कि यहाँ पे जो प्रीवियस स्टॉप था तो यहाँ पे 42,352 वाला एरिया होल्ड करना चाहिए अब यहाँ पे दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हो ना मार्केट इज इन एक्सट्रीम फियर बहुत ज़्यादा फियर में है और मैंने आपको आगे भी बोला है कि जब सारे लोग यहाँ पे डरे हुए हो उस टाइम पर आपको लालची बनना है राइट तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो दिस इज अ गुड अपोर्च चुनिटी यहाँ पे पार्ट्स में मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ बाई इन पार्ट्स आप पार्ट्स में बाई करो जिससे कोई भी टेंशन ना हो और आप अपना डॉलर कॉस्ट एवरेज करते करते जाओ भी प्राइस नीचे जाए उस टाइम पे आप बाई कर सकते हो उसके बाद ऊपर जाए तब सेल कर सकते हो राइट और बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा मैंने ट्विटर पे भी डाला है कि मैं यहाँ पर आप देख सकते हो आई इनविजुअलाइन ट्रीटमेंट के लिए आज लेकिन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक वीडियो मैं बना दूँ और जो लोग टेंशन ले रहे हैं उनको ये ग्राफ दिखा दूँ कि अगर आप यहाँ पे वन मंथ का चार्ट देखते हो या फिर वन वीक का चार्ट देखते हो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऊपर ही जा रहा है कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक बेयर मार्केट आया राइट ओवरऑल इट इज़ गोइंग अप ऊपर ही जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहेगा बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली फेर लॉन्ग टर्म होल्डर यहाँ पे होल्ड करो डेफिनेटली ऊपर जाएगा राइट right? स्पॉट में होल्ड कर रहे हो, सेल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अमाउंट है लगा सकते हो जो लोग यहाँ पर लेवरेज यूज़ करते हैं उनके लिए एक चीज़ समझनी है कि उनको यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से हम जैसे हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत फिर नहीं आएगी राइट आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट मुझे ट्विटर अकाउंट पर पूछ सकते हो इतना ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट और बाकी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कोई भी अर्जेंट अपडेट आती है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट कर दूँगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट मिल जाएगी किसी को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है स्केमर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो कैमर से बचो और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आज का वीडियो पसंद आया है डेफिनेटली ये एफर्ट के लिए वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाद में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है वो भी प्रेस कर दीजिए चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू जय हिंद